लीची का सीज़न आ गया है और उसके साथ साथ आ गया है आम का सीज़न। और फ्रेंड्स, इसका खट्टा मीठा स्वाद अब मैं क्या कहूँ, बस मुंह में पानी ही आ जाता है। तो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप लोगों का मैं अपने चैनल नेचर लवर नव्या में। और फ्रेंड्स, आज मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को अपने घर का आम का पेड़, जो कि छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और इसमें छोटे छोटे आम के फल भी आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरे घर का आम का पेड़, इसमें छोटे छोटे आम के फल भी आ गए हैं। फ्रेंड्स, इसमें फल तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन क्या हुआ, इतनी आंधी चली कि ये जो सारे फल थे झड़ गए। अब बस सिर्फ इतने ही बचे हैं। फ्रेंड्स, जब हम लोग छोटे थे तो स्कूल से पढ़कर जाते थे, तो इतने छोटे छोटे आम थे उस समय, आंधियों से झड़े रहते थे। तो हम लोग क्या करते थे, इन सब को उठा करके घर लेकर जाते थे, क्योंकि फ्रेंड्स गांव में हमारे बहुत ज़्यादा आम के पेड़ थे, उस समय बहुत ही ज़्यादा होते थे। इस समय तो मान लीजिए बहुत कम हो गया है, लेकिन पहले बहुत ही ज़्यादा थे। तो हम लोग क्या करते थे, उसे उठा करके घर लेकर जाते थे और ब्लेड की मदद से उसे छीलते थे, ढेर सारा छील करके रख लेते थे, जबकि इतना छोटा छोटा है, देखिए क्या बचेगा इसमें छीलने पर। लेकिन हम लोग क्या करते थे, छील करके रख लेते थे। फिर इसके बाद नमक ले लेते थे, जिसमें कि पुदीना और मिर्चा पिसा हुआ रहता था, बस इसे छोटा छोटा पीस में कट कर लेते थे, और उसके बाद इसमें तेल और नमक मिला करके खाते थे। क्या बताए, इतना अच्छा स्वाद लगता था, दांत जो है जवाब दे देता था, लेकिन फिर भी हम लोग खाते रहते थे। और इसी वजह से मम्मी पापा से बहुत डांट भी सुनने को मिलती थी। चलिए फ्रेंड्स, आज आम की बातें करते करते बचपन की यादें भी ताज़ा हो गई। और फ्रेंड्स, बचपन की यादें तो होती ही खूबसूरत है, इनको याद करके चेहरे पर एक चमक सी आ जाती है ना। और फ्रेंड्स, हमारे इस आम के पेड़ की एक खासियत है, ये एक साल आएगा और एक साल बस नाम करने के लिए आएगा। नाम करने से मेरा मतलब है कि एक साल तो ये खूब भरपूर आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन अगले साल ये क्या करेगा, सिर्फ थोड़ा सा आएगा, बस नाम रहेगा कि हाँ मेरा आम का पेड़ जो है इसमें आम का फल है। और फ्रेंड्स, गांव में ऐसे और भी बहुत सारे पेड़ हैं, जो कि पहले साल बहुत ज़्यादा आएंगे, फिर उसके अगले साल बहुत ही कम हो जाएंगे। बचपन से मैं देखती आ रही हूँ फ्रेंड्स, पहले साल बहुत ज़्यादा आएंगे, फिर उसके अगले साल कम हो जाएंगे, ऐसा ही होता है। फ्रेंड्स, इस समय दोपहर में जो लू चलता है उसमें भी ये फल काफ़ी झड़ जाते हैं, और कभी कभी जो तेज़ आंधियां चलती है उसमें भी काफ़ी फल झड़ जाते हैं। तो देखते हैं कि ये बड़े होते होते ये टिकते कितने हैं आम। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये हमारे घर का आम का पेड़ कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।